हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं 2024 लेटेस्ट मॉडल बजाज पल्सर NS200 कॉकटेल रेड कलर का। चार कलर ऑप्शन के साथ में आपको बाइक देखने को मिल जाती है। आज के इस वीडियो में रेड कलर का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। अभी के टाइम पे आपको इस बाइक के अंदर LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ में आपको बाइक देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस बाइक की 2024 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, इस बाइक का माइलेज फीचर्स एंड टॉप स्पीड पर अंतिम वीडियो को वॉच करिए। अभी के टाइम पे आपको E20 का भी अपडेट इस बाइक के अंदर मिल जाता है। 200 सीसी सेगमेंट के अंदर फुली लोडेड आपको ये बाइक मिल जाती है। इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस बाइक की एक्सशोरूम प्राइस से। तो 1,60,000 रुपए की आपको बाइक की एक्सशोरूम प्राइस मिल जाती है। जयपुर सिटी के अंदर वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस बाइक की किसे। तो कुछ इस तरह की आपको इस बाइक की देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर आपको बजाज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। चलिए करते हैं इस बाइक के इग्निशन को ऑन और देखते हैं फ्रंट में आपको क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलने वाला है। जैसे ही आप इस बाइक की को ऑन करते हैं तो इसके फ्रंट में आपको जो LED DRL लाइट देखने को मिलती है, लाइट ये ऑन जाती है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको फ्रंट से देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर की तरफ आपको बजाज का लोगो मिल जाता है। साइड में आपको LED इंडिकेटर इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको ग्लॉसी वाइजर मिल जाते हैं। इंजन स्टार्ट होते ही इस बाइक की जो ऑल ओवर LED हेडलाइट ये ऑन हो जाती है। कुछ इस तरीके का लुक आपको इस बाइक का फ्रंट से देखने को मिल जाता है। इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर सस्पेंशन की बात करूँ तो अपसाइड डाउन फोर्क सस्पेंशन आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके फेंडर के ऊपर आपको कार्बन फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है। कुछ इस तरीके की इस फ्रंट में आपको 300 mm के डिस्क एंड 118-17 inch के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल की। तो इसके टैंक के ऊपर आपको पल्सर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है 3D क्रोम में कुछ इस तरीके की। नीचे की तरफ आपको 200 की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। ये आपको स्टिकर के फॉर्म में देखने को मिल जाती है। रेड कलर आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाली है। ऊपर की तरफ आपको E20 का स्टिकर देखने को मिलने वाला है। तो 2024 में आप इस बाइक को इथेनॉल पेट्रोल से भी चला सकते हो। दोस्तों अब मैं एक बार आपको इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूं। तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है, जिसका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको मिलने वाला है। यहां पे आपको ऊपर की तरफ स्मार्ट कनेक्ट की लाइट देखने को मिल जाती है। ब्लूटूथ का फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। साइड में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर, RPM ग्राफ, लो फील वार्निंग, लो बैटरी वार्निंग, ABS लाइट, चेक इंजन लाइट, ट्रिप एंड ट्रिप टू। की टॉप स्पीड की बात करूँ तो 148 किलोमीटर पर आवर्स की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। साइड में आपको चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन भी मिलने वाला है। तो काफी अच्छे फीचर्स के साथ में आपको बाइक देखने को मिलने वाली है। साइड में आपको इंजन की स्विच मिल जाता है। तो एक बार मैं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट नोट आपको इस बाइक का सुनने को मिल जाता है। इस बाइक के इंजन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ट्रिपल स्पार 4-valve FI इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। लिक्विड 199.5 cc का। इस बाइक के इंजन की पावर की बात करूँ तो 24.13 bhp की पावर जनरेट करता है एंड 18.74 nm का टॉर्क आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। 6-speed गियरबॉक्स के साथ में आपको बाइक देखने को मिल जाती है। इस बाइक के माइलेज की बात करूँ तो ये बाइक आपको 35 से 40 का माइलेज निकाल कर देती है। नीचे तरफ आपको इंजन काउल एंड यहाँ पे आपको लेग गार्ड भी देखने को मिलने वाला है। अब बात लेते हैं इस बाइक की सीट हाइट की। तो इसके अंदर आपको 805 mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाती है। स्प्लिट सीट ऑप्शन के साथ में आपको बाइक देखने को मिल जाती है। तो भाई एक 200 सीसी सेगमेंट के अंदर आपको फुली लोडेड अभी ये बाइक मिलने वाली है। अब बात लेते हैं इस बाइक के रियर सस्पेंशन के। तो इसके रियर में आपको नीट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिलने वाले हैं। पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे आपको टायर अगर देखने को मिल जाता है। इसके रियर में आपको 230 mm की डिस्क एंड इसके रियर में भी आपको ABS सिस्टम मिलने वाला है। इसके रियर में टायर सेक्शन की बात करूँ तो 130-70-17 inch के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। NS200 की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है, आपको स्टिकर के फॉर्म में देखने को मिल जाती है। अब बात लेते हैं इस बाइक की बैक प्रोफाइल की। इसके रियर में आपको 2-piece ग्रेवरल देखने को मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके के। नीचे की तरफ को LED टेल लाइट एंड LED ब्लिंकर्स आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ को रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। तो ये था 2024 लेटेस्ट मॉडल बजाज पल्सर NS200 का एक स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहे।